मशहूर सिंगर हार्डकोर का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। हार्डकोर ने भारत के इंडिपेंडेंस डे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ एक वीडियो बनाया। वीडियो में उन्होंने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार के चहेते सिंगर मिका की भारत में मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय सिने एसोसिएशन ने उन पर बैन लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि मिका सिंह ने हाल ही में कराची में परफॉर्म किया था, जिसके बाद ये बैन का फैसला लिया गया है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने बैन लगाते हुए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही मिका को सभी म्यूजिक कंपनी, मूवी प्रोडक्शन हाउस और ऑनलाइन म्यूजिक कंटेंट प्रोवाइडर से बॉयकॉट किया जाएगा। फिल्म मिशन मंगल की टीम लौटी मुंबई। दिल्ली में पूरी टीम फिल्म को प्रमोट करने गई थी। तिरुपति बालाजी मंदिर में जमीन पर बैठकर माता टेकते नजर आई जानवी कपूर, तस्वीरें हुई वायरल। श्रीदेवी के बर्थडे पर जानवी कपूर ने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। गरीब बच्चे को देने के लिए नहीं है जानवी कपूर के पास पैसे। श्रीदेवी की बेटी का ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। वीडियो में गरीब बच्चा जानवी से पैसे मांगता है। आगे जो होता है वो आप खुद ही देख लीजिए। दीपिका पाडुकोण ने फिल्म मेकर लव रंजन की फिल्म छोड़ी, क्योंकि उन पर मीटू के तहत एलिगेशंस लगे थे। इस पर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अपनी अपकमिंग मूवी सेक्शन 375 के ट्रेलर लॉन्च पर बयान दिया। देखिए, मेरा बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे लगता है आर्टिस्ट जो होते हैं वो प्यार की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। हमारा एक कॉमन कल्चर है, मैं पंजाबी हूँ, बुल्ले शाह हम इस तरफ भी गाते हैं उस तरफ भी गाते हैं। मुझे लगता है आर्टिस्ट को बैन करते हैं लोग इसलिए क्योंकि आर्टिस्ट दोस्ती करवा सकते हैं दोस्त उसकी वजह कुछ और है। कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए यू हैव टू स्टॉप सीइंग द, यू नो, यू हैव टू सी द अदर साइड इज ह्यूमन। तो सबसे बड़ा पहला विक्टिम जो होता है कॉन्फ्लिक्ट का वो आर्ट और ह्यूमैनिटी होती है। पति निक जोनस के बारे में बात करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि उनके पति उनके लिए हर समय काफी आकर्षित रहते हैं और हर दिन सुबह उठकर उनका चेहरा देखते हैं। प्रियंका ने कहा, ये थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन वो हर दिन सुबह उठकर मेरे चेहरे को देखते हैं जब मैं सोकर उठती हूँ। निक मुझे जब ऐसे देखते हैं फिर मैं कहती हूँ, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा मेकअप कर लूँ। फिल्म जजमेंटल है क्या की सक्सेस पार्टी मुंबई में रखी गई। कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को मीडिया ने तहे दिल से किया स्वागत। कंगना ने भी मीडिया को अपने फ्लाइंग किस वाले अंदाज में शुक्रिया किया। अक्षय कुमार का एक वीडियो आज खूब देखा जा रहा है। वीडियो में अक्षय कुमार सोनाक्षी सिन्हा के चेहरे पर मेकअप लगा रहे हैं। अक्षय जब सोनाक्षी सिन्हा के चेहरे पर मेकअप कर रहे होते हैं तब कुछ ऐसा होता है जिसे अक्षय को मार पड़ती है। देखे वीडियो। इस बार फिल्मी फ्राइडे नहीं बल्कि फिल्मी थर्सडे पर रिलीज होने वाली है दो बड़ी फिल्म, जॉन अब्राहम की बाटला हाउस और अक्षय कुमार की मल्टी स्टार मिशन मंगल। बॉलीवुड नाउ पर देखे जॉन की बाटला हाउस पर न्यूज एडिटर आशीष तिवारी का रिव्यू। एक्टिंग की बात आती है तो सबसे पहले बात करते हैं जॉन अब्राहम की। एसीपी संजय कुमार यादव के तौर पर जॉन अब्राहम ने पूरी फिल्म में जान फूंकने की काम की है। एज अ नॉर्मल दर्शक ये फिल्म मुझे मासी भी लगी और एलीट भी लगी, और इसलिए एक बार इस फिल्म को देखना तो बनता ही है।